हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर अप्रेंस सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल पितामा द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में। इंजीनियर्स, आज मैं आपके बीच में आया हूं एक कॉम्बो वीडियो लेके। कॉम्बो इसलिए बोलता हूं कि जब भी टेस्ट की बात होती है मैं कॉम्बो की बात करता हूँ। सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ, इसके बाद उस वीडियो की लाइव प्रैक्टिकल प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आपका जो डाउट हो एक्सप्लेनेशन से छूटा हो वो वीडियो देख के क्लियर हो जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर सिल्ट कंटेंट इन सैंड। इस टेस्ट को हम परफॉर्म क्यों करते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर हम कंक्रीट बनाते हैं या मोर्टार बनाते हैं तो सैंड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सपोज करिए आपके सैंड में सबसे ज्यादा क्ले हो या फिर सिल्ट हो, तो क्या वो जो आप स्ट्रक्चर में यूज करेंगे वो प्रॉपर तरीके का आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा, वो क्रैक हो जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद। इन सारी चीजों से बचने के लिए हम सिल्ट कंटेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें ऑपरेटर्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? एक मेजरिंग सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होगी, या तो वो 250 ml हो या 150 ml हो। वाटर की रिक्वायरमेंट होगी और सैंड की। सैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग हमें टेस्ट करना है कि हमारे सैंड में कितना अमाउंट ऑफ सिल्ट है या क्ले है। और साल्ट की, साल्ट क्यों हम यूज करते हैं आपको हम आगे बताएंगे। तो देखिए इंजीनियर, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए इसका प्रोसीजर क्या होता है? टेक 50 ml ऑफ वाटर एंड एड साल्ट स्लाइटली। इस मेजरिंग सिलेंडर में हम 50 ml वाटर डालेंगे और थोड़ा सा लिटिल बिट अमाउंट ऑफ सॉल्ट को हम ऐड करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, द सैंपल ऑफ सैंड टू बी टेस्टेड इज देन एडेड टू द सिलेंडर अंटिल द लेवल रीचेस 100 ml। सपोज करिए कि 50 ml हमने वाटर डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। इसके बाद हम उसमें सैंड को फिलअप करेंगे स्लाइटली धीरे धीरे, जब तक हमारा जो वाटर लेवल है मेजरिंग सिलेंडर में वो 100 ml तक रीच ना कर जाए, तब तक हम उसमें सैंड को फिल करेंगे। इसके बाद इंजीनियर 50 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज अगेन एडेड टू द मेजरिंग सिलेंडर। जब हमारा सैंड या वाटर का जो मिक्सचर हमने ऑलरेडी डाला है, सबसे पहले हमने 50 ml वाटर डाला, फिर सैंड डाला, जब तक हमारा लेवल है 100 पे रीच नहीं किया, इसके बाद फिर से हम 50 ml वाटर ऐड करेंगे उसमें और विथ स्लाइट अमाउंट ऑफ साल्ट के साथ, कि वो लेवल 150 ml हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज द ओपन एंड ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर एंड सेक इट वेल। जो मेजरिंग सिलेंडर उसे ऊपर से हम प्रॉपर तरीके से क्लोज करेंगे कि जो उसमें कंटेंट हमारे साल्ट के, वाटर के, सैंड के, वो बाहर लीक ना हो, और प्रॉपर तरीके से हम उसे कवर अप करके इसके बाद प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करेंगे इसके बाद हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे 2 to 3 आवर्स। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं इंजीनियर्स, इसके बाद हम चेक करते हैं परसेंटेज ऑफ क्ले। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने 2 आवर्स के लिए छोड़ा, यहाँ पे देखिए ये सैंड जो है कुछ 2 घंटे के बाद ये बॉटम में सेटल हो गई, और जो हमारा क्ले है वो बीचों बीच आ गया सैंड और वाटर के। तो इसे हम V1 करेंगे और जो हमारा सैंड होगा उसे हम V2 करेंगे। क्ले कंटेंट हमारा V1 होगा और सैंड कंटेंट हमारा V2 होगा। तो परसेंटेज ऑफ क्ले इज इक्वल टू V1 by V2 into 100। इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। और परमिसिबल लिमिट जो होती है वो 8% होती है। अगर 8% से एक्स्ट्रा हमारे सैंड में क्ले या सिल्ट आती है तो उसे हम यूज नहीं करेंगे इंजीनियर्स। अब चलिए इंजीनियर्स, आपको लाइव एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आगे देखिए हमारे इस वीडियो में लाइव एक्सप्लेनेशन और एक्सपेरिमेंट। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू सिविल पितामह द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में। मैं इंजीनियर अप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आपने हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट तो देखा कि डिटरमिनेशन ऑफ क्ले और सिल्ट प्रेजेंट इन सैंड, किस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब आपको मैं ऑन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और ऑपरेटर्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले इंजीनियर्स, हमें सैंड की रिक्वायरमेंट होगी, जिस सैंड को हमें चेक करना है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ क्ले और सिल्ट प्रेजेंट है। तो ये सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी वो सैंड की होगी। इसके बाद हमें इंजीनियर्स वाटर चाहिए, इंजीनियर्स वाटर, और थर्ड जो हमें बीकर या फिर हम कह लें मेजरिंग सिलेंडर, की जिसमें हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, और लिटिल बिट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यानी कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हमें सॉल्ट चाहिए। और सॉल्ट क्यों हम यूज करेंगे, सॉल्ट हम इसलिए यूज करेंगे कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो सेटलमेंट ऑफ सैंड जो हो, यानी कि जो हमारा बालू नीचे बैठे वो थोड़ा सा रिएक्शन फास्ट हो जाए, इसलिए हम सॉल्ट को इंजीनियर ऐड करते हैं। इंजीनियर देखिए कि सबसे पहले हम बीकर में या फिर मेजरिंग सिलेंडर जो भी आप यूज करें टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि देखिए मैंने एक बीकर यूज किया है, तो इसमें हम 50 ml वाटर ऐड करेंगे। इंजीनियर ये देखिए इंजीनियर 50 ml हम यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, देखिए इंजीनियर एग्जैक्टली 50 ml वाटर पहुंच गया इंजीनियर। इसके बाद हम स्लाइटली लिटिल बिट अमाउंट ऑफ साल्ट हम इसमें यूज करेंगे, देखिए इंजीनियर थोड़ा सा हमने सॉल्ट डाला। अब इसके बाद इंजीनियर हम सैंड को तब तक फिल करेंगे जब तक कि हमारा वाटर लेवल 100 ml तक रीच ना कर जाए। इंजीनियर अभी देखिए हमने सैंड लिया इंजीनियर, अब इस सैंड को मैं फिलअप करता हूँ।
फिलअप करेंगे इसे, टैंक को हम तब तक डालेंगे लेकिन ये हमारा वाटर लेवल जो है कि एग्जैक्टली 100 ml पे रीच कर गया। अब इसके बाद इंजीनियर्स हम फिर इसमें थोड़ा सा स्लाइट बिट सॉल्ट को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद हम वाटर को ऐड करते हैं इंजीनियर्स। ये अब हमारा जो है वाटर लेवल 150 ml तक रीच कर जाए, देखिए इंजीनियर्स ये 150 ml तक हमारा वाटर लेवल रीच कर गया इंजीनियर्स। फिर लिटिल बिट अमाउंट ऑफ सॉल्ट इसमें हम ऐड करते हैं इंजीनियर्स। अब इंजीनियर्स इसको हम प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो भी हमारी चीजें वो प्रॉपर एक दूसरे से मिक्स हो जाए, और मिक्सिंग करने के बाद हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे 2 to 3 hours इंजीनियर्स, इसे हम अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे। और इसके बाद क्या होगा इंजीनियर्स, देखिए सबसे पहले अब हम मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। अब इसकी मैं मिक्सिंग स्टार्ट करता हूँ, इसे प्रॉपर इस तरीके से मिक्सिंग करेंगे कि कोई भी जो अमाउंट ऑफ इसमें सॉल्ट और क्ले वाटर प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से ये लोग मिक्स हो जाए। देखिए इंजीनियर्स इस तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग किया मैंने इंजीनियर्स, और मिक्सिंग करने के बाद इंजीनियर्स इस सैंपल को मैं अनडिस्टर्बली छोड़ दूंगा 2 to 3 hours के लिए, यानी कि 2 to 3 hours इसको मैं इसी तरीके से छोड़ दूंगा। तो क्या होगा इसके बाद इंजीनियर्स, जो सैंड होगा वो सैंड हमारा नीचे जो है कि बॉटम में सेटल होकर बैठ जाएगा एक जगह, और वाटर जो है वाटर लेवल ऊपर चला जाएगा, और क्ले और सिल्ट जो अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होगा इस सैंड के अंदर वो हमारे इन बिटवीन वाटर और सैंड के बीच में आ जाएगा। उसके बाद इंजीनियर हम चेक करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ हमारे क्ले या सिल्ट प्रेजेंट है हमारे सैंड में, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जो परमिसिबल लिमिट होती है वो इंजीनियर्स वो परमिसिबल लिमिट 8% तक होती है। अगर 8% से एक्स्ट्रा आता है क्ले या सिल्ट हमारे सैंड में, तो हम उसको कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। अब इसे मैं अनडिस्टर्बली छोड़ दूंगा 2 to 3 hours के। हाँ तो इंजीनियर्स आपने हमारे लाइव एक्सपेरिमेंट को देखा, जब हमने लाइव एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया इसके बाद जब हमने अपने सॉल्यूशन को 2 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ा तो उसके बाद चेंजेस क्या हुए आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इंजीनियर्स जो चेंजेस हुए, सबसे पहले ये देखिए जो सैंड कंटेंट है, वो सैंड कंटेंट जो है हमारा वो बॉटम में सेटल हो गया, वो बॉटम में बैठ गया है, और क्ले कंटेंट इन बिटवीन आ गया हमारे वाटर एंड सैंड के बीच में। तो यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ 1 to 2, यानी कि 2 ml हमारा क्ले और सिल्ट कंटेंट है और 48 ml जो हमारा वो सैंड है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करेंगे और पता करेंगे कि हमारे सैंड में कितना अमाउंट ऑफ सिल्ट और क्ले प्रेजेंट है। तो देखिए इंजीनियर्स अब हम कैलकुलेट करेंगे इंजीनियर्स, तो V1 की जो वैल्यू हमारी होगी, क्ले कंटेंट अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो 2 ml होगा, और जो हमारा सैंड कंटेंट V2 होगा वो 48 ml होगा। जब इसको हमने 2/48 × 100 किया, जब हम इसको कैलकुलेट करके समराइज करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4.16%, यानी कि हमारा जो सैंड है वो परफेक्ट है, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि परमिसिबल लिमिट जो होती है वो 8% है, अगर 8% से एक्स्ट्रा आता तो हमारा सैंड वो परफेक्ट नहीं है, हम उसे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज नहीं करेंगे। तो होप इंजीनियर्स आज आपके सारे डाउट रिगार्डिंग सिल्ट कंटेंट इन सैंड क्लियर हो चुके होंगे, और आपको अगर इसी तरीके की मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। इंजीनियर्स आपको मिलते हैं ऐसे एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।